नमस्कार, मैं हूं महक न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। ग्राम पंचायत मल्लीवाला में शेख शुजाउद्दीन का हिंदू मुस्लिम सभी ने किया भव्य स्वागत। काट तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मल्लीवाला में ग्राम प्रधान फकीरा सिंह ने सोमवार को सपा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सपा के शेख शुजाउद्दीन ने जाकर मीटिंग के दौरान लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रति जागरूक किया। आगामी सन 2022 के चुनाव को लेकर सभी ग्रामीणों को जागरूक किया। ग्राम पंचायत मल्लीवाला में सभी कार्यकर्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की, जिसे देखकर विधानसभा कार्ड 25 से शेख शुजाउद्दीन ने ग्रामीणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बार हिंदू मुस्लिम एकता ही समाजवादी को लाएगी। शेख ने अनेकों ग्राम पंचायत में जा जाकर लोगों को जागरूक किया है और सपा की नीतियों से व्यक्तियों को अवगत करा रहे हैं। और शेख शुजाउद्दीन ने बताया कि भाजपा किसानों के 3 कृषि कानून वापस नहीं ले रही है और समाजवादी पार्टी किसानों के हित में कार्य कर रही है और हमेशा किसानों के हित में कार्य करती रहेगी। मजदूरों किसानों को एक साथ लेकर के चलने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। कृषि कानूनों को लेकर सपा के शेख शुजाउद्दीन ने ग्राम पंचायत में जाकर सपा की नीतियां बताई और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को लेकर सभी व्यक्तियों ने शेख शुजाउद्दीन का भव्य स्वागत किया। कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो हमने बाहर सीखा, जो वहां पर हमने वहां की दुनिया देखी, मैं चाहता हूं कि अगर उसमें से हम लोग यहां पर 50% के लिए आए तो 100% हम लोग यहां पे बहुत खुश हो जाएंगे और आराम से अपनी लाइफ निभा सकते। आज 108, आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए या कहीं भी आप चले जाइए, 108 का मतलब आप समझते क्या है 108? 108 को अगर आप फोन कर रहे हो तो ओनली सिर्फ 5 मिनट में उसको टारगेट पूरा करना है। एक एरिया दिया जाता है कि भाई कांट से यहाँ तक कितने, बोले 5 मिनट में पहुंच सकती है, उसको 100% 5 मिनट में यहाँ पर पहुंच देना। अगर वो 5 मिनट में नहीं पहुंचती है तो उसको राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा कि भाई आपको क्यों नहीं पहुंचे, क्या प्रॉब्लम थी आपको। पर आज की तारीख में आप फोन करिए 108 को, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 दिन तक भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। पर 100% हम वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि जो आपकी सरपरस्ती कर रहा है, जिसको आप वोट दे रहे हो, वो आदमी के अंदर काबिलियत है कि नहीं है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। कोई भी आदमी, अभी देखिए विधानसभा का